नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं कर्मभूमि टीवी। मुझे भी जन्म लेने दो के संकल्प के साथ मंत्री रेखा आर्य ने हर की पैड़ी से कांवड़ उठाई। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में बेटियों का लिंग अनुपात बेटों के बराबर करने का संकल्प भी लिया। इससे पहले कैबिनेट मंत्री ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महंत रविन्द्र पुरी और महामंत्री हरिगिरि के साथ गंगा पूजा किया। यहाँ से कांवड़ उठाने के बाद रेखा आर्य पैदल यात्रा पर ऋषिकेश के लिए निकल गयी। बता दें कि आज शिवरात्रि के पर्व पर हर की पैड़ी पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने गंगा पूजा किया। इस मौके पर मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि आज सावन की शिवरात्रि है। भगवान शिव ने बताया कि वे शक्ति के बिना अधूरे और शक्ति उनके बिना ठीक इसी प्रकार भ्रूण हत्या को खत्म किए जाने और इस प्रदेश में देवों की नगरी के साथ साथ देवियों की नगरी से भी जाना जाए, ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए। यह यात्रा पूरी 25 किलोमीटर की है और इस पूरी 25 किलोमीटर की यात्रा जो कि हमारे ऋषिकेश के वीरभद्र मंदिर जो कि 1300 साल पुराना महादेव का मंदिर है, वहां जलाभिषेक माननीय मुख्यमंत्री के साथ करते हुए इसका समापन किया जाएगा। निश्चित रूप से वह एक अंतिम पड़ाव होगा, लेकिन विभाग अपनी ओर से लगातार कन्याओं को बचाने, पढ़ाने, आगे बढ़ाने में संतों के आशीर्वाद को लेते हुए उसे आगे बढ़ाने का काम करेगा। भक्तों से कुछ कहेंगे, बहुत बड़ी संख्या में भोले के भक्त आए। देखिए, निश्चित रूप से भोले के भक्तों में जिस प्रकार से जोश है, जिस प्रकार से मतलब उन्होंने अपने अपने जो संकल्प लिए हैं और जिस प्रकार के हमारी संस्कृति को, हमारी परंपरा को जीवित रखने का काम किया है, मैं उनका धन्य 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 धन्यवाद करती हूँ कि निश्चित रूप से उनके माध्यम से अपने चाहे वो धार्मिक आस्था हो उसको बढ़ावा मिलता है, अपनी संस्कृति जीवित रहती है। मैं सबसे अपील करूंगी कि हम सब लोग आज के ही परिप्रेक्ष्य में बेटियों को बचाना, बेटियों को पढ़ाना, बेटियों को आगे बढ़ाना, प्रकृति के साथ न्याय करना, उत्तराखंड को देवभूमि के साथ देवी की भूमि बनाना, देश में समान लैंगिक समानता आ सके, वह लेकर आना यह संकल्पित होकर जाए। भोला के भोली, मुझे बहुत खुशी है कि ईश्वर ने मुझे ऐसी बुद्धि दी कि मैं इस यात्रा को कर पाए और निश्चित रूप से जो हमारे संत समाज है उनका जो ये आशीर्वाद है उसी का फल है कि आज हम इस क्योंकि यह भी यात्रा हर कोई नहीं कर पाता है, उसको हर किसी को सौभाग्य नहीं मिल पाता है, मुझे ईश्वर ने ऐसी बुद्धि दी और मैं इस ओर अग्रसर। कोरोना संक्रमण एक बार फिर से उत्तराखंड में अपने पैर पसार रहा है। यहाँ हर रोज चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। टिहरी जिले के नरेंद्र नगर ब्लॉक में एक विद्यालय में एक शिक्षक और 7 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शिक्षक और सभी छात्रों को आइसोलेट किया गया है। बता दें कि नरेंद्र नगर के नवोदय विद्यालय देवल धार में पढ़ने वाले एक छात्र की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, जिसे उपचार के लिए देहरादून भेजा गया। देहरादून में उसकी कोरोना संक्रमण की जाँच की गई तो छात्र कोरोना पॉजिटिव निकला। छात्र के कोरोना पॉजिटिव निकलते ही स्कूल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। फिर विद्यालय में 190 छात्र और शिक्षकों की जांच की गई, जिसमें एक शिक्षक और 7 छात्रों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। राजधानी देहरादून में ड्रग्स तस्करों की धरपकड़ अभियान के तहत उत्तराखंड एसटीएफ टीम ने उत्तर प्रदेश बरेली के सात नशा तस्कर नाजिम सहित देहरादून के एक सप्लाई हिस्ट्री सीटर डीलर को रायपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। एसटीएफ और देहरादून पुलिस के संयुक्त कार्रवाई के दौरान बरेली के सक्रिय ड्रग तस्कर नाजिम के कब्जे और रायपुर के लोकल तस्कर अमरकांत उर्फ डोला के कब्जे से 1,00,000 रुपये नकद और 115 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। दोनों तस्करों के कब्जे से बरामद हेरोइन की कीमत लाखों में आंकी गई है। उत्तराखंड में डेंगू और मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मंकी पॉक्स और डेंगू को लेकर महकमे की तरफ से बकायदा एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे लोगों पर नजर रखने की सलाह दी गई है जो केरल या प्रभावित देशों से उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू को लेकर भी गाइडलाइन जारी कर दी है। जुलाई से सितंबर तक का वक्त प्रदेश में डेंगू का प्रभाव बढ़ने की संभावना रहती है। स्वास्थ्य विभाग की डेंगू की साथ ही मंकी पॉक्स को लेकर भी खास एहतियात बरत रहा है। मंकी पॉक्स की एडवाइजरी में गया कि मंकी पॉक्स लोगों में कैसे फैलता है। एडवाइजरी में लोगों को जागरूक करते हुए शरीर में चकते पड़ने की स्थिति में फौरन स्वास्थ्य विभाग को सूचित करने के लिए कहा है। बता दें कि भारत में मंकी पॉक्स के 2 मामले केरल से मिले हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग मान रहा है कि मंकी पॉक्स का प्रसार तेजी से नहीं होता है।
कारगिल विजय दिवस के मौके पर देश भर में वीर सपूतों को याद किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह एवं अन्य नेताओं ने वीर सपूतों को नमन किया। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वॉर मेमोरियल पहुंचे और वीरों को श्रद्धांजलि दी। कारगिल विजय दिवस उस ऐतिहासिक दिन के स्मृति में मनाया जाता है जब भारत के वीर सैनिकों ने 1999 में कारगिल में पाकिस्तान के खिलाफ हुए युद्ध में विजय हासिल की थी। तो देखते रहिए कर्मभूमि टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।